नमस्कार दोस्तों, अगर 4000 घंटे आपने अपने चैनल पर पूरे कर लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेने के बाद आपको अपना चैनल मोनेटाइजेशन में किस तरह से अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, पर चैनल को मोनेटाइज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने चैनल पर करनी होती हैं, अदरवाइज आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो चैनल मोनेटाइजेशन में अप्लाई करने से पहले, सेंड करने से पहले आपको क्या करना है, वो चीज़ मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, आप पहले उसको देख लीजिए। अगर वो चीज़ आपने नहीं की है तो आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई मत कीजिए। यहाँ पे चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, आपने अगर अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको उसके बाद क्या करना होता है। ठीक है, आपको किस तरह से गूगल एडसेंस अपने यूट्यूब में लिंक करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 3 स्टेप में आपका चैनल जो है वो वेरीफाई होगा। स्टेप 1 में जो कि आपका बेसिक चेक करता है यूट्यूब पर कि आपके चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है या नहीं, आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं या किसी अदर की वीडियोज अपलोड करते हैं, कितने कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियोज़ पर आए हैं, सिर्फ ये चीज़ बेसिक चेक करता है और ये चीज़ तुरंत वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, 3 स्टेप में पहला स्टेप आपका तुरंत ही वेरीफाई हो जाएगा, इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक करके ओके कर दिया, आप देख सकते हैं नॉट स्टार्टेड, बस 30 सेकेंड या 1 मिनट में ये चीज़ डन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ कम्प्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ कम्प्लीट हो चुकी है, स्टेप 1 हमारा जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर केवल बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं कि आप किस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, किस थीम के अपलोड कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी के लिए अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं दूसरे की, या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है या नहीं। बस दूसरा स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट जो है लिंक करना है। इस स्टेप को करने के लिए बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए कि अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी तो लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो करेगा, अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट्स है तो यस आई हैव एडसेंस अकाउंट, अगर नहीं है तो नो आई हैव डोंट, अगर ऑलरेडी आपने बना के रखा हुआ है तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास नहीं है तो 2nd ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एडसेंस अकाउंट अपना लॉगिन करना होगा या बनाना होगा कह सकते हैं आप इसे, अगर अपना नहीं है एडसेंस अकाउंट आप न्यू बना रहे हैं तो। यहाँ पे मैं इसी मेल आईडी से बनाऊंगा जिस मेल आईडी से मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये मेरा एडसेंस अकाउंट ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें फिल करनी होती हैं। बेसिक चीज़ें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो अकाउंट है वो टाइप किस टाइप का होना चाहिए। तो देखा जाए तो 95% लोग इंडिविजुअल ही होते हैं, ठीक है, बिजनेस पर्पज़ से कोई नहीं होता है, तो आप इंडिविजुअल ही रखना। यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसे फिल कर दीजिए, जैसे कि नोटिफिकेशन मेल पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसको फिल करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कंट्री चूज कर लीजिए इंडिया, यहाँ पे मैं पहले इंडिया चूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरी कंट्री इंडिया ही है, आपकी जो आई थिंक इंडिया ही होगी क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर क्या 100% इंडिया में ही बात होती है। तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना कर लेना है, उसके बाद इसको रीड करना चाहें तो काफ़ी लंबा लिस्ट है, आप इसको रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री कर दीजिए और उसके बाद क्रिएट अकाउंट, तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको अंदर पेमेंट डिटेल, एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। बेसिक यहाँ पे आपको सिर्फ लिंक करने के लिए सिर्फ एड्रेस फिल करना है, बाकी चीज़ें आपको फिल नहीं करनी है, बाकी चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं, शुरुआत में केवल आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया, इस चीज़ को जो हम फिल करेंगे ये चीज़ आपको लाइफ टाइम जो है आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से कुछ चीज़ें और लाइफ टाइम आपको अगर गलती करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे अकाउंट का जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल होना चाहिए, ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे नेम में, नेम एंड एड्रेस में, तो यहाँ पे नेम में आपका चैनल का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपना खुद का नाम डालिए, ये आपका कोई भी चीज़ अगर यूट्यूब आपको सेंड करता है वो चाहे वेरीफिकेशन पिन हो या कुछ और हो, तो यहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए ताकि आपके पास रिसीव हो सके, क्योंकि आपके चैनल का नाम सबको नहीं पता होगा आपके एरिया में। यहाँ पे आप अपना नाम डालिए, अपना एड्रेस डालिए, पूरी अपनी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। ठीक है, फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप ये रिडायरेक्ट हो जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब और एडसेंस का अकाउंट एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब एडसेंस में और एडसेंस आपके यूट्यूब में लिंक हो रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट आपको वापस यूट्यूब के पेज में
सेंड कर देगा। तो यहाँ पे आप वापस से यूट्यूब के पेज में अपने आ चुके हैं। पहला स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस अभी यहाँ पे नॉट स्टार्ट से यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। इन प्रोग्रेस में आने के बाद यहाँ पे इन प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, इन प्रोग्रेस आ गया। इन प्रोग्रेस में आने के बाद कभी कभी 2 से 3 दिन लगते हैं, कभी कभी 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर मान चलिए 12 से 24 घंटे भी लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पहले तो हो जाता था 1 हफ्ते के अंदर, पर अब महीनों लग जाते हैं। सेकेंड स्टेप 24 घंटे के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कभी कभी 1 महीने, थोड़ा सा ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा, 1 महीने तक हो सकता है वेट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ जो कि किस तरह से आपको एडसेंस लिंक करना है अपने यूट्यूब अकाउंट में, ये चीज़ मैंने यहाँ पर बता दी। और एडसेंस में सेटिंग, कुछ चीज़ें बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि आपको करनी होती हैं, जैसे पेमेंट की सेटिंग है, किस तरह से फिलअप करना है, पिन लेना है, एड्रेस वेरीफाई करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।